चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस पैदा हुआ, तबाही मचाई और फिर दुनिया भर में फैल गया और फैलता ही चला गया। इतना फैला कि लोगों में दहशत भर गई, पूरा विश्व को परेशान कर रहा है। कोरोना का ग्राफ हर बीतते दिन के साथ समय से भी तेजी से भाग रहा है। दुनिया में कोरोना के संक्रमणों का आंकड़ा 74,50,000 को भी पार कर चुका है। साथ ही 4,19,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 37,00,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। वहीं आने वाले 2 दिनों में संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का 3रा देश बन सकता है। पूरी दुनिया में 20,00,000 से भी ज्यादा केस के साथ अमेरिका कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पर है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7,00,000 से ज्यादा केस के साथ ब्राजील कोरोना के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस 4,93,000 मामले और 6,000 से ज्यादा मौत के साथ इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। कोरोना के 2,90,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले में और 41,000 मौतों के साथ ब्रिटेन 4थे नंबर पर है। इसके बाद 2,89,000 मामलों के साथ स्पेन 5वें नंबर पर है, जबकि यहाँ कोरोना से मरने वालों की तादाद 27,000 से ऊपर जा चुकी है। 6ठा नंबर भारत का है। अपने यहाँ इस वक्त कोरोना के 2,86,000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि इससे हुई मौतों का आंकड़ा 8,000 के पार जा चुका है। इटली इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। वहाँ 2,35,000 मामले हैं, जबकि इटली में कोरोना से 34,000 लोगों की जान गई है। पेरू में कोरोना के 2,00,000 से भी ज्यादा केस हैं और यहाँ इस वायरस का शिकार होने से करीब 6,000 लोगों ने जान गंवाई है। 9वां नंबर जर्मनी का है, जहाँ कोरोना के 1,86,000 मरीज हैं। यहाँ कोरोना से 8,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इस टॉप 10 लिस्ट में 10वें नंबर पर ईरान है, जहां कोरोना के 1,77,000 से ज्यादा मामले हैं और इस बीमारी ने यहां अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों की जान ली है। दुनिया भर के देशों के लिए खतरे की घंटी है। मौजूदा हालात में ही कोरोना संक्रमण के आंकड़े सरकारों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगर यूं ही बरकरार रही तो आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। आज तक ब्यूरो।